गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन साइंस क्लास. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज ब्लशर. लस्टर, यू मे हैव नोटिस दैट मैनी थिंग्स शाइन, दैट इज दे हैव अ लस्टर. यानी कि आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास कैसी होती है, शाइन करती हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें लस्टर होता है. मटेरियल दैट शाइन आर कॉल्ड लस्टरस. तो ऐसे जो मटेरियल जो शाइन करते हैं वो लस्टरस कहते हैं उन्हें. ओके, एंड दोज विच डू नॉट आर कॉल्ड नॉन लस्टरस. तो ऐसे जो शाइन नहीं करते उन्हें हम बोलते हैं नॉन लस्टरस. ऑल मेटेलिक सब्सटेंस, जितने भी जो मेटेलिक सब्सटेंस है, जैसे कि मटेरियल जिनका यूज ज्वेलरी बनाने में होता है, यूटेंसिल, कटलरी, वाटर टैप, डोर हैंडल्स, फ्लावर वेस, ये सब क्या है, ये लस्टरस हैं. ऑन एक्सपोजर टू एयर मोस्ट मेटल लूज देयर लस्टर इन द कोर्स ऑफ टाइम. ज़्यादातर जो मेटल है वो एयर के कॉन्टेक्ट में आते ही क्या होते हैं, अपनी जो चमक है वो खो देते हैं. वी देन से डैट द मेटल इज टैनिश. तो हम क्या कहते हैं कि जो मेटल है वो टैनिश हो गया, जब उसका कलर थोड़ा कम होता है, जब वो अपनी चमक खो देता है, तब उसे टैनिश बोलते हैं. ठीक है, द मेटल रिगेन इट्स लस्टर इफ़ इट्स सरफेस इज रब विथ क्लोथ और सैंड पेपर और पॉलिश. जो मेटल है वो अपनी अपनी चमक को बरकरार रखता है जबकि उसे क्या करा, रब किया जाए उसके सरफेस को क्लोथ से या फिर सैंड पेपर से, या उसे पॉलिश किया जाए ना. जब भी मैटर में हम पॉलिश करते हैं तो वो अगेन शाइन करने लगता है. ऑन द अदर हैंड दे आर मैनी थिंग्स, लाइक दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे कि वुड है, कोल है, प्लास्टिक, पेपर, जिनमें क्या होता है, चमक नहीं होती. यू हैव लर्न अर्लियर डैट नॉन मेटल आर जनरली नॉन लस्टर्स. आप ये पढ़ भी चुके होंगे कि जो नॉन मेटल होते हैं ना उनमें जो है चमक नहीं होती, वो नॉन लस्टर होते हैं. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर यू कैन क्लासीफाई मटेरियल एज लस्टरस एंड नॉन लस्टरस. अगर हम चमक लस्टर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है मटेरियल्स को. तो फर्स्ट वन इज लस्टर्स एंड सेकंड वन इज नॉन लस्टर्स. ठीक है, ट्राई टू क्लासीफाई सम थिंग्स इन योर होम इन द बेसिस. आप इसी के अकॉर्डिंग अपने आसपास की चीज़ों को भी कैटेगराइज कर सकते हैं. नाउ स्मूदनेस ऑफ सरफेस. स्मूदनेस ऑफ सरफेस मतलब कि एक तरीके से जैसे स्मूद होता है ना बहुत ज़्यादा, एक तो रफ होता है, ठीक है, एक होता है स्मूद. मूव योर फिंगर्स ओवर द सरफेस. अगर आप कभी मिरर के ऊपर अपनी फिंगर्स को मूव करोगे उसके सरफेस पे तो क्या दिखाएगा, और या फिर स्टेनलेस स्टील पर तो आपको क्या दिखाएगा, या फिर किसी स्टोन या ब्रिक पर, द सरफेस ऑफ द मिरर, जो सरफेस होगा मिरर का या स्टेनलेस स्टील का वो कैसा होगा, स्मूद होगा, एकदम चिकना है ना, जबकि जो स्टोन और ब्रिक होगा वो कैसा होगा, रफ होगा, खुरदुरा. यू कैन कलेक्ट थिंग्स एंड क्लासीफाई. आप ऐसी चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हो और उन्हें कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे जो स्मूद है जिनका सरफेस और दूसरा जिनको रफ सरफेस है. ठीक है, नाउ ट्रांसपेरेंसी. यू विल रीड इन द चैप्टर ऑन लाइट दैट डिफरेंट मटेरियल बिहेव डिफरेंटली व्हेन लाइट फॉल ऑन देम. आप ये चैप्टर जो है लाइट में आपने पढ़ चुके होंगे कि जो डिफरेंट मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, जब उन पर लाइट जो पड़ती है ना अलग अलग वो बिहेव करने लगते हैं. ठीक है, आगे ये चैप्टर आएगा लाइट, तो उसमें आप रीड करेंगे. फर्स्ट देखो, एक है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसे कि जो ग्लास और जो कुछ प्लास्टिक्स हैं, अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन डैम टू पास थ्रू. वो अपने अंदर से जो है लाइट को पास होने देते हैं, जब उन पर लाइट गिरती है तो उसके अंदर से पास होने देते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं. सेकेंड होता है ओपेक मटेरियल, इसमें क्या होता है, वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, क्योंकि लाइट को अपने अंदर से पास थ्रू होने नहीं देते. नेक्स्ट है ट्रांसलूशेंट मटेरियल, इसमें आता है फ्रॉस्टेड ग्लास एंड ऑयल्ड पेपर. ये क्या करते हैं, ये कुछ लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं. ठीक है, तो ये तीन जो है टाइप्स है, ये पता होने चाहिए आपको. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस. यू कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ हार्ड. आप हार्ड मटेरियल का शेप तो चेंज नहीं कर सकते, ना ही इसे कट कर सकते हो. इन कॉन्ट्रैक्ट यू कैन ईजिली चेंज द शेप ऑफ अ सॉफ्ट मटेरियल बाय प्रेसिंग इट और स्ट्रेचिंग. लेकिन जो सॉफ्ट मटेरियल होगा हम उसका जो ईजिली से शेप चेंज कर सकते हैं और प्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कट इट ईजिली, हम इसे कट भी कर सकते हैं. हार्ड मटेरियल आर यूज टू मेक व्हीकल्स. जितने भी जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनका यूज़ व्हीकल्स में, मशीन्स में और फर्नीचर में होता है. ठीक है, क्योंकि ये हार्ड होते हैं. जबकि जो सॉफ्ट मटेरियल होता है उनका जो मेक है वो कुशन और क्लोथिंग बनाने में किया जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी. ओके, अ सॉलिड मटेरियल, जितने भी सॉलिड मटेरियल वो कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं. इफ़ इट कैन बी बैंड और इट्स शेप कैन बी चेंज विदाउट ब्रेकिंग इट. हम इनके बैंड जब करेंगे तो हम इनके शेप को चेंज कर सकते हैं बिना इन्हें ब्रेक किए.
और डक्टाइल मटेरियल कैन बी ड्रॉन, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनको वायर्स में ड्रॉन किया जा सकता है, उनके वायर बन सकते हैं, और जबकि जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उन्हें हम मैलेबल बोलते हैं, इफ़ इट कैन नॉट बी बीटन और प्रेस इन टू शीट्स और फॉइल, क्योंकि इन्हें हम शीट्स और फॉइल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और सॉलिड मटेरियल डेट ब्रेक ऑन बीटिंग बैंड, जो सॉलिड मटेरियल होते हैं जिन्हें हम ब्रेक जो ब्रेक हो जाते हैं ऑन बींग बैंड बीटन और प्रेस, उन्हें क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। ठीक है, जो भी जो सॉलिड मटेरियल है वो एकदम से ब्रेक हो जाते हैं ना, एकदम से प्रेस करने पे बीट करने पे उन्हें ब्रिटल बोलते हैं। यू हैव लर्न अर्लियर डैट मेटल आर डक्टाइल, आप ये लोग पढ़ चुके हैं कि जो मेटल है वो डक्टाइल होते हैं और मैलेबल होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। नाउ फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर, यू मस्ट हैव नोटिस डैट मैनी सब्सटेंस फ्लोट वेयर आज मैनी अदर सिंक इन वाटर, आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर में जो है फ्लोट करने लगती है, तैरने लगती है, बाकी जो है वो डूब जाती हैं। लेट अस डू द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं जिससे आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ें जो है फ्लोट करती है, कौन सी सिंक करती हैं। जैसे कि प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक की चीज़ें पता ही है वो फ्लोट करती है ना, स्टोन अगर हम रख करेंगे पानी में डालेंगे तो वो सिंक हो जाएगा, है ना, ऐसे ही रबर भी जो है फ्लोट करेगी, तो इस तरीके से बताना है आपको। नाउ नेक्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी, व्हेन शुगर इज स्टिर्ड इन वाटर इट डिसअप, जब हम पानी में शुगर को मिलाते हैं तो क्या होता है, वो गायब हो जाता है। इन फैक्ट द शुगर क्रिस्टल ब्रेक अप इनटू मॉलिक्यूल, जो शुगर के क्रिस्टल है वो ब्रेक हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स में, जो कि हमें दिखाई नहीं देते। द शुगर मॉलिक्यूल, जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाट पानी में मिक्स हो जाते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ, सो इंटीमेटली दे कैन नॉट बी डिसगज्ड, मतलब इसके लिए उसके बाद हम उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते, जब वो घुल जाता है पानी में चीनी, वी से डैट, क्योंकि वाटर क्या है, सॉल्युबल है वाटर में, एंड इट डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म, क्योंकि वाटर में घुल के क्या बनाता है, सॉल्यूशन बना लेता है। जैसा सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन हो ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है हमारा, कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि सैंड है, चौक है एंड सॉडस्ट है, विच डू नॉट, ये वाटर में जो है डिजॉल्व नहीं होते, घुलते नहीं है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें बोला जाता है इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि सॉल्व नहीं होते तो इनसॉल्युबल होते हैं ये। कुछ लिक्विड है जैसे कि ग्लिसरीन है, शैम्पू, ये भी है वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और सॉल्यूशन बना लेते हैं। कुछ लिक्विड है जैसे कि इन्हें हम बोलते हैं मिसिबल विद वाटर, क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं। लिक्विड लाइक एडिबल, जो एक खाने का जो तेल होता है, एडिबल ऑयल, जो भी हम खाने में ऑयल यूज़ करते हैं, और जो केरोसिन होता है, विच डू नॉट, वो मिक्स नहीं होता वाटर के साथ, इसलिए उसे इमिसिबल कहा जाता है। ठीक है, इमिसिबल विद वाटर, इमिसिबल लिक्विड वैन मिक्स फॉर्म सेपरेट, जब इस तरह के कुछ लिक्विड हम पानी में डालेंगे तो वो एक अलग ही लेयर बना लेते हैं। कुछ गैसेज है जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, ये वाटर में सॉल्युबल है। एयर विच इज़ अ मिक्सचर, हमारे पास जो एयर है वो जो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, क्योंकि बहुत सारी गैसेज होती हैं, ये भी क्या है, सॉल्युबल इन वाटर टू कम सम एक्सटेंट, कुछ हद तक जो है ये सॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि जो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होती है जो पानी में घुली होती है उसी के थ्रू वो सर्वाइव कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं। और लिक्विड डैट डिजॉल्व अदर सब्सटेंट, ऐसा जो लिक्विड है जो कि दूसरे सब्सटेंट को डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर, वो सॉल्वेंट होता है, और जो सब्सटेंट जो कि डिजॉल्व होता है वो सॉल्यूट होता है। ठीक है, वाटर दो मोस्ट वाइडली यूज इज नॉट द ओनली सॉल्वेंट यूज्ड फॉर डिजॉल्विंग वाटर, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वाटर ही एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसको जो यूज़ किया जाता है डिजॉल्विंग करने के लिए अदर सब्सटेंस को, कुछ और भी हैं जैसे कि मैथिलेटेड स्प्रिट है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, एथिल अल्कोहल, एसीटोन एंड आइदर आर अमंग कुछ अदर सॉल्वेंट हैं जो कि चीज सब्सटेंट को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेते हैं। अब मटेरियल डैट डज नॉट डिजॉल्व इन वन सॉल्वेंट में डिजॉल्व इन अनदर, अगर कोई मटेरियल जो है किसी एक सॉल्वेंट में अगर वो डिजॉल्व नहीं हो रहा, घुल नहीं रहा, तो वो किसी और सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट योर चैप्टर इज़ फिनिश, ओके, आपको अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो है अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।